एवरीबडी वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक जैसा कि आप सबको पता है सेबी की शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस एग्ज़ाम में अगर आप देखो तो फेज़ वन हो चाहे फेज़ टू हो दोनों में जो पेपर टू का कॉम्पोनेंट है उसमें स्टैटिक पार्ट बहुत ही ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा मेरा बोलने से मतलब ये है कि अगर आप देखो तो फिनंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि आप जिसको ट्रेस करके आर के सर्कुलर पे या फिर सेबी के सर्कुलर से लिंक कर सकते हो वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी मिलने वाला है और कुछ इसमें चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कि कंपनीज एक्ट वहां पे समझने का स्कोप बहुत कम है एक्ट में जो वहां पे फैक्ट्स आपको दे रखे हैं जो जितने भी वहां पे प्रोविजंस हैं वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है जैसे कि इकोनॉमिक्स उसके बाद कॉस्टिंग तो यहाँ पे आपको समझना होता है काफ़ी अच्छे से सो so, आज आज के सेशन में हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से क्योंकि यहाँ पे आप में से बहुतों को कन्फ्यूज़न होती होगी खास करके उनको जिनका कि कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है ठीक है तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए उस लेवल पर जाके आज हम उस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसके पहले आपको मैं यहां पे बता दूं कि जो चैप्टर हमने पिक किया है वो सेबी ग्रेड ए के कोर्स का अगर आप यहां पे साइड पे जाओ तो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आपको यहां देखिएगा चैप्टर टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आज हम देखने जा रहे हैं ओके सो ये डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो डिमांड कर्व पे मूवमेंट कैसे होती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड से तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं पहले कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है किसी भी कॉमोडिटी के डिमांड को मतलब कि किसी गिवेन पॉइंट ऑफ टाइम पे गिवेन uh, प्राइस पे उस पार्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या है इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बट जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ अब यहां पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ब्रैकेट में जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स उसके बाद जो लोगों की चॉइसेस होती हैं तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो यहां पे लिख सकता हूं मैं प्रिफ्रेंस उसके बाद प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स आप देखोगे कि यहां पे हो सकते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो इन सब का फंक्शन होगा कंबाइंडली जो भी मैंने अभी नाम लिए हैं इसमें से और भी हैं बट आपको समझने के लिए बस मैंने यहाँ लिखा है आ, समझाने के लिए लिखा है बेसिकली कि इतने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है वो होता है प्राइस और इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई भी स्टडी होती है डिमांड की तो उसमें प्राइस के टर्म्स में ही मोस्टली बातें होती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर प्राइस ही होता है तो ये तो हो गया डिमांड फंक्शन ठीक है अब हम इससे लॉ ऑफ डिमांड पे कैसे आए तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो अदर फैक्टर्स बींग कॉन्स्टेंट ठीक है अदर फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स अदर देन द प्राइस अदर फैक्टर्स बींग कॉन्स्टेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी तो यानी अगर मैं इसको फिर से दूसरे वे में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ठीक है क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ दैट पार्टिकुलर कमोडिटी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं मतलब कि उस पार्टिकुलर कमोडिटी की अगर आप प्राइस को इंक्रीज करते हो तो मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी लाइकवाइज अगर आप उस पार्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस को डिक्रीज करते हो तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो यहां पे जो कीवर्ड है जो आपको याद रखना है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड is inversely proportional to price of that commodity i hope you font visible here. okay So, यहां पे जो कीवर्ड था जो मैंने बोला कि आपको मार्क करना है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये आपको याद रखना है ठीक है तो ये रहा जिसको हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड की जो बेसिक स्टेटमेंट है दैट इज यहां पे जो लिखा है वो ओके okay. सो so, ये आपने समझ लिया यहां पे ध्यान रखना कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट है दैट इज प्रसाइजली इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ

तो एक साल कंप्लीट होने के बाद आपकी आपकी अप्रेजल हो और सैलरी को बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट से बढ़ा दिया जाए उस केस में क्या होगा कि आपकी इनकम और दूसरे वर्ड्स में आपकी डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़ जाती है अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो हो सकता है कि जो आपका बाइंग बिहेवियर है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाए एज इन कि जितने टाइप के गुड्स आप आप पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे हो सकता है कि उसमें से कुछ आप इस साल अफोर्ड करने लग जाएं, तो आपका फिर बाइंग पैटर्न जो आपका बास्केट ऑफ गुड्स है जो कि आप हर हफ्ते हर महीने जो कि आप खरीदते हो जाके मार्केट में तो उस बास्केट में कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ ऐसे आइटम्स ऐड हो जाएं, जो कि पहले आप नहीं ख़रीदते थे राइट right? तो उस केस में भी जो आपका डिमांड होगा उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा और जो पहला फैक्टर था जो कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट था वो है प्राइस तो कमोडिटी प्राइसेस में अगर चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली डिमांड में भी चेंज आएगा तो मतलब कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को जो क्वांटिटी मार्केट में डिमांड की जा रही है बट लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ प्राइस पे फोकस रखेंगे अब जो हमें कर्व्स जो हमें कर्व्स स्टडी करने हैं डिमांड कर्व तो वहां पे एक्सपेंशन क्रॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है या फिर इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है तो यह समझने के लिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए थी इसीलिए मैंने बार बार एम्फेसाइज करके बताया है कि सिर्फ प्राइस इकलौता फैक्टर नहीं है प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं राइट अब हम एक काम करेंगे ये मैं यहां से हटा देता हूं होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा सपोज कि हमें डिमांड कर्व ड्रॉ करना है लेकिन उसके लिए हमें कुछ हमारे पास डेटा होना चाहिए क्योंकि कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपके पास पॉइंट होने चाहिए मतलब एक्स एक्सिस, एक्सिस वाई पे पे कहाँ क्या आ, आपको करना है उसके लिए आपके पास बहुत जरूरी है कि पहले आपके पास कुछ डेटा पॉइंट हो कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा वाई पे क्या आएगा अब इकोनॉमिक्स में जो किसी भी बुक में आप देख लेना कि वहां पे एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी लिखी हुई दिखाई देगी और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे उस कॉमोडिटी की प्राइस तो यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कॉमोडिटी और यहां पे क्या हो जाएगा प्राइस ऑफ दैट कॉमोडिटी ये दो चीजें होंगी। अच्छा उसके बाद जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो बहुत सारे टाइप की हो सकती है इनफैक्ट वो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन हो वो हो सकता है कि कर्व वो हो सकता है कि कर्वी लीनियर हो जिस भी टाइप का कर्व होगा डिपेंड इस पर करेगा कि आपके पास डेटा पॉइंट क्या क्या है तो यहां पर मैं कुछ भी लिख सकता हूं कि सपोज अगर प्राइस प्राइस अगर P1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्वांटिटी Q2 हो सकती है सॉरी यहां पे Q1 हो सकती है लाइकवाइज अगर प्राइस पी टू है तो यहां पे क्वांटिटी क्यू टू हो गई प्राइस अगर पी थ्री है तो यहां पे क्वांटिटी क्या हो गई क्यू थ्री अब यहां पे आप नंबर्स यहां पे डालते जाओ आपके पास जो भी बुक है वहां पे कोई ना कोई एग्जांपल इसका होगा तो आप यहां पे अपने मन से कोई भी डेटा पुट करो और उसके करस्पॉन्डिंग आप बहुत आराम से कर्व यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूं बस आपको समझाने के लिए इससे और ज्यादा कंफ्यूजन होगी तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको लिखी देता हूं यहां पे। और P1 के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो हमने लिख दिया करस्पॉन्डिंग ग्राफ कुछ ऐसा बन गया जहां पर आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा अच्छे से पता नहीं चलेगा तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं ओके okay. अब यहां पे बहुत अच्छे से आपको पता चल पाएगा कि मैं क्या यहां पे समझाना चाह रहा हूं तो ये रहा पी वन ये पी टू और ये है पी थ्री अब यहां पे ध्यान से देखना पी वन के करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको हमने यहां पे लिख दिया क्यू वन लाइकवाइज जो यहां पे पी टू है प्राइस टू उसके करस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है क्यू टू उसके बाद Price 3 पे जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी दैट विल बी क्यू थ्री ना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ डिमांड में जो हमने रीड किया है फॉर एवरी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वो चाहे इंक्रीज है चाहे डिक्रीज हो देयर विल बी अ अब्सिक्वेंट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड दैट यू यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर उसी के बाद आप ड्रॉ कर पाओगे और फिर इसको अच्छे से स्टडी कर पाओगे सो so, अब जो मैंने बोला लॉ ऑफ डिमांड में कि अगर प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज तो क्या हम ग्राफ से यही चीज समझ सकते हैं तो सबसे पहले जो प्राइस यहां पे P1 थी, अब कि प्राइस को घटा दिया गया तो अगर प्राइस को घटाया जाता है तो एज पर दॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड शुड इंक्रीज राइट क्योंकि प्राइस में डिक्रीज हो रहा है अच्छा आप अगर यहां पे देखो P1 को तो P3 की वैल्यू P1 से कम है वाई एक्सिस के अलोंग जितनी ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही ज्यादा होती है राइट right? तो यानी P3 का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा उससे कम होगा P3 तो इसके अकॉर्डिंग फिर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस में डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड शुड इंक्रीज तो अब देखो P1 के करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1 और P3 के करस्पोंडिंग जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज Q3 और आप ध्यान से देखो अगर तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आप जब आप राइटवर्ड right जाते हो तो वो क्वांटिटी बढ़ती जाती है राइट right? तो Q1 जितना भी होगा Q3 उससे ज्यादा ही होगा तो अब हम इसको यहां पे लिख लेते हैं कि P1 वन इज ग्रेटर देन पी और उसके वजह से Q3 या फिर आप इसको यहां पे लिखो Q1 इससे बड़ा है Q3 रीजन आपको समझ में आया क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज यहां पे आपको ग्राफ से समझ में आ गया होगा ओके okay. सो so ये जो मूवमेंट हो रही है प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है उसके ग्राफ के अलोंग जो मूवमेंट हो रही है तो इसको आप प्राइस और क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और आप ध्यान से देखो तो अभी जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड ये कर्व की तो हमने किसी और फैक्टर को यहाँ पे नहीं किया है मतलब कि हम सिर्फ प्राइस के टर्म्स में बात कर रहे हैं कि, आ, कि उसके क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क आएगा जो बाकी के फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको फंक्शन में लिख के दिखाया था कि वहां पे वहां पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स वहां पे प्राइसेज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर प्राइसेस ऑफ सप्लीमेंट्री गुड्स

अगर आपने किसी और कोचिंग का मटेरियल लिया है तो वो भी वहाँ पे वेरीफाई करना कि इस वे में चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं कि नहीं बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन ये आपको मोस्टली गलत दिखाई देगी बहुत जगह तो एक बार थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लेना इसको अगर सिर्फ प्राइस के बेसिस पे क्वान्टिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा हो तो ये वो या तो एक्सपेंसन हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है तो अगर आपको पूछा जाए कि एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ये किस बेसिस पे होता है तो आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए कि इट इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ दैट पार्टिकुलर कमोडिटी और इसको भी अगर हम रिफाइन करें और तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड इज कॉज ड्यू टू चेंज इन द दाइसेज ऑफ ऑफ अ बंडल ऑफ कमोडिटीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज हो प्राइस में कोई चेंज हो रहा है तो उसके वजह से डिमांड में एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो अब ये डिमांड में एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी वैसे वैसे आप इस कर्व के डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहोगे और जितना डाउनवर्ड आप जाओगे क्योंकि कर्व का सेप ऐसा है आप जितना डाउनवर्ड जाओगे तो आपको फिर सब्सिक्वेंटली क्वांटिटी भी इंक्रीज दिखाई देगी यहां पे तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉन्ट्रेक्शन अब सपोज कि आप पी लेवल पे हो वहां से प्राइस चेंज होकर आ गई पी पहले आप यहाँ थे अब आप यहाँ पे आओगे तो पहले प्राइस थी P3, अब प्राइस हो गई P2, तो अब आप देखोगे कि क्वांटिटी डिमांडेड दैट वाज अर्लियर Q3, एट दी प्राइस P3, तो अब आप इस कर्व के अलोंग ऐसे अपवर्ड जाओगे और यहाँ पे आके रुकोगे और यहाँ पे जो क्वांटिटी है आपकी दैट इज़ Q2, तो मतलब प्राइस के बढ़ने से प्राइस में इंक्रीज़ होने से जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो अब डिक्रीज होके Q2 पे आ गई तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन तो फर्स्ट वाला केस था एक्सपेंशन दूसरा केस था तो कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है अच्छा अगर डिमांड कर इस तो इसका स्लोप हमेशा क्या होगा निगेटिव होगा निगेटिव स्लोप क्या होगा और क्यों होगा या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं निगेटिव स्लोप के बजाय डाउनवर्ड स्लोप डाउनवर्ड स्लोप इसीलिए होता है कि जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते जाते हो वैसे वैसे जो यहां पे आप देखो तो मूवमेंट ऐसे ऐसे होती है ठीक है मतलब प्राइस में जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आप कर्व के अलोंग डाउनवर्ड मूव करते जाओगे इसीलिए इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप या फिर आप इसको नेगेटिव स्लोप भी बोल सकते हो क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके उसके अकॉर्डिंग अगर आपको स्लोप निकालनी हो तो इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव आता है इसलिए इसको बोला जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग तो ये हमने समझ लिया एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अब हम देखेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है तो याद रखना कि जो फर्स्ट केस था दैट वॉज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अब हम बात करेंगे किसी और चीज की अब हम बात करेंगे कि चलो प्राइस के अलावा मतलब प्राइस को भी हम कांस्टेंट रहने देते हैं जो बाकी के फैक्टर्स हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स अगर सपोज उसमें कोई चेंज आए तो फिर डिमांड कर्व का क्या होगा अब इसको भी आप ध्यान से समझना अगेन ये कर्व थोड़ा सा इसको फ्लैट बनाना पड़ेगा ठीक है कुछ ऐसा है डिमांड कर्व यहाँ पे यहां पे मैंने लिख दिया P1 वन यहां पर है P3 और यहां पे है P2 तो प्राइस तो सेम है तो अगर हम सिर्फ प्राइस के बेसिस पे यहां पे देखना चाहें तो हम यहां पे देख नहीं पाएंगे क्यों उसका रीजन आपको पता है कि प्राइस को हमने यहां पे कांस्टेंट माना हुआ है तो इसमें तो चेंज करने का सवाल ही नहीं है अब जो बाकी के फैक्टर्स हैं इनकम तो इसको आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल uh, वे में इसको आप थोड़ा सा क्वालिटेटिव uh, वे में समझना कि सपोज कमोडिटी के प्राइसेस वही है बट आपकी इनकम में इंक्रीज हो गई आपका इनकम बढ़ गया तो उस केस में क्या होगा कि आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है सो so, कई बार ऐसा देखा जाता है सपोज आई मीन बिफोर योर सैलरी वॉज इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ अ सर्टेन गुड और कमोडिटी दैट यू वर कंज्यूमिंग वॉज सपोज और फाइव बट आपके सैलरी बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ने से क्या हो गया कि जो क्वानी जो क्वान्टिटी आप पहले कंज्यूम कर रहे थे कि है, अब आप उससे ज्यादा कंज्यूम करना चाहोगे तो फर्स्ट वाले केस में प्राइस के टर्म्स में मूवमेंट हो रही थी राइट अब तो प्राइस यहां पर कुछ हो नहीं रहा उसका प्राइस तो सेम है बट आपकी इनकम बढ़ गई आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई आपके कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ गई उस केस में क्या होता है कि जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है तो अब क्या होगा कि डिमांड कर्व कुछ यहां पे आ जाएगा जो पहले इधर था तो इसको अगर मैं अगर डीसी वन लिखू डिमांड कर्व वन तो ये हो जाएगा आपका डिमांड कर्व टू तो आप ध्यान से देखना प्राइस सेम है राइट तो अगर मैं प्राइस पी को थोड़ा यहां तक एक्सटेंड करूं तो फर्स्ट वाले केस में जब आपकी सैलरी नहीं बढ़ी थी तब जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे थे That was Q1, right? आपकी इनकम बढ़ने से आपकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई उसके बाद पी वन के करस्पॉन्डिंग जो अब नई क्वानिटी होगी जो कि आप कंज्यूम करना चाहोगे that would be Q2. और जैसा मैंने बताया कि आप एक सैक्सिसक्सिस के अलोंग अगर आप राइट right वर्ड जाओ तो क्यू टू विल बी ग्रेटर देन क्यू वन मतलब कि इनकम बढ़ने से फिर आपका क्या हो गया बाइंग कैपेसिटी आपकी बढ़ गई और कॉन्सिक्वेंटली जो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे थे पहले Q1 वो बढ़ के हो गई Q2 तो ये आपको समझना है इसी केस को हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड और मान लो कि आपकी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज हो जाती है किसी भी कारण से मान लो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जो पैसे आपके पास थे उसकी अब बाइंग पावर घट गई बट चीज़ों की प्राइस वही है मान लो कि प्राइस एप्सोलूट टर्म में सेम है बट हुआ ये कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से इन्फ्लेशन के अचानक से बढ़ने से जो आपकी बाइंग पावर है वो बहुत कम हो गई या इसको हम किसी दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं मान लो कि आपकी जो एप्सोलूट इनकम थी वही डिक्रीज हो गई तो उस केस में क्या होगा उस केस में होगा ये कि आपकी कंज्यूमिंग कैपेसिटी या फिर आपकी बाइंग पावर ये आपकी हो जाएगी कम तो अब क्या होगा कि आप अब आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी उसका कंज्यूम करना चाहोगे क्योंकि आपके पास उतने पैसे नहीं है तो इसलिए जो स्लोप सॉरी जो यहां पे कर्व है डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम नाम दे देते हैं टी सी थ्री डिमांड कर्व थ्री अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया मतलब कि सपोज प्राइस पी वन पे जो सबसे पहले केस में आप कंज्यूम कर रहे थे क्यू वन इनकम इनकम इंक्रीज होने के बाद आप कंज्यूम कर रहे थे क्यू टू अब वही अगर आपकी इनकम डिक्रीज हो जाए तो आप यहां पे आ जाओगे ये क्या है Q3 तो अब आप ध्यान दो कि Q3 की वैल्यू Q1 से कम है मतलब डिमांड कर्व यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो क्वांटिटी आप अफोर्ड कर पाओगे दैट विल बी लेसर देन Q1 जो कि आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी जो आप कंज्यूम कर रहे थे तो यह समझने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है इस केस में जब प्राइस में कोई चेंज नहीं हो बाकी के फैक्टर्स चेंज हो और वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड अगर चेंज होती है जो क्वांटिटी है जो आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं अब तो इस केस को हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बहुत जगह ये चीज अच्छे से लिखी हुई एक्सप्लेन की हुई नहीं होती है और इसीलिए आज के सेशन में आ, मैंने चूज किया इस टॉपिक को क्योंकि यह बहुत बेसिक है जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आगे इसमें प्रोसीड तो नहीं कर पाओगे तो आज के बाद एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि इससे बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसमें इतना ही है पढ़ने को अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलाट्रिसिटी की और उसमें भी बहुत सारे बहुत सारे केसेस बनते हैं कई बार इसको रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी वहां पे बातें बताऊंगा जिससे कि अगर आपने उसको याद रख लिया तो फिर कोई भी फॉर्मूला हो इलासिटी से रिलेटेड वो आप गलत करके नहीं आओगे इसमें एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो उसको आप गलत करके नहीं आओगे और अगर हम डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो बहुत ही सिंपल टाइप के होते हैं न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे कभी मॉक्स uh, में भी आपको वो मिल जाएगा ठीक है तो बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे कि डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था और उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो आपको उसमें करना बस ये था कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं जहाँ पे डी दिया हुआ है पी दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन सॉल्व करके डी एन पी की वैल्यू निकालनी थी और आपको यह बताना था कि, कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जो कि हम बाद में रीड करेंगे क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड के बाद थ्योरी ऑफ सप्लाई भी आता है तो अभी तो हम बस डिमांड की बात कर रहे थे जब सप्लाई भी रीड कर लेंगे तब फिर वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो पाता है तो अभी के लिए आज के सेशन में इतना ही आई होप कि जो भी यहां पे बताया गया है वो आपको बहुत यूजफुल लगा हो डिस्कशन uh, के टाइम पे हमने जो जो बातें की हैं अगर उसमें से कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग